दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से GSTR 1 की रिटर्न और GSTR 3 भी रिटर्न को किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आपके पास टेली सॉफ्टवेयर के अलावा कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST रिटर्न तैयार करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री पास करते हैं तो बैकग्राउंड में जो हमारी GST की रिपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर होती रहती है, लेकिन हमें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने से पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड है यानी कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो रिकॉर्ड तैयार हुए हैं उस रिकॉर्ड को आपस के अंदर टैली करना बहुत ही कंपलसरी है। यानी कि GSTR 1 का रिकॉर्ड हमारे GSTR 3 के साथ मैच हो रहा नहीं हो रहा, टोटल सेल के साथ हमारी GSTR 1 की सेल आपस के अंदर मैच हो रही है नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें रिटर्न को अपलोड करने से पहले देखना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी सीखने वाले हैं भी हम जो रिपोर्ट हमने यानी कि GST रिटर्न हमने तैयार करी है उसके डाटा को हमें CA के ऑफिस में या फिर टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट के ऑफिस में किस प्रकार से सेंड करनी होती है। तो ये सारा वीडियो प्रैक्टिकल रहने वाला है, सारी बातें आपको प्रैक्टिकल इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो काफी नॉलेजेबल रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में GST रिटर्न की तरफ हम दो तरीके से जा सकते हैं। पहला, आप शॉर्टकट गो टू का यूज करके GST रिपोर्ट्स पर जाओगे और जैसे हम GST रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी GST रिटर्न से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स हमारी तैयार होती है वो सारा का रिपोर्ट आपके पास ही आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरा तरीका, आप डिस्प्ले पर जाके उसके बाद ट्रेजरी रिपोर्ट्स पर और उसके बाद में GST रिपोर्ट्स, और GST रिपोर्ट्स पर जाने के बाद आपके सामने कुछ ही हमारी GST रिपोर्ट्स आ जाएगी, लेकिन हमें जो रिपोर्ट्स तैयार करनी है वो GSTR 1 और GSTR 3 भी, लेकिन वेरीफाई हम GSTR 2 को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम GSTR 1 को ओपन करते हैं और अब ओपन करने के बाद अब आपके पास ये देखना है भी आपकी कंपनी की जो GSTR 1 फाइलिंग करने का जो मोड है वो क्वार्टरली मोड पे है या फिर मंथली मोड पे है। अगर आपका क्वार्टरली मोड है तो आपको 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर सेलेक्ट करना है, अगर आपका मंथली मोड है तो आपको 1 दिसंबर से 31 दिसंबर यहाँ पर डेटा जो डालनी होगी। तो हम दिसंबर मंथ की हम रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे फ्रॉम 1/12 से लेके और 31/12 तक, तो उसके बाद ये हमारे रिटर्न्स के जो रिकॉर्ड है कुछ इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार पीरियड चेंज करने के बाद एक बार डेट आपको जरूर यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि हम टैली सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं डेट को मैनुअल रूप से टाइप करते हैं और कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट होता है, नवंबर मंथ या फिर क्वार्टरली वाइज इस तरीके से सिलेक्ट होता है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये टैली सॉफ्टवेयर का हम एक तरीके से कह सकते हैं ये माइनस पॉइंट भी है, तो मान लीजिए गलती से आपसे 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बजाय 30 दिसंबर अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो जो 31 दिसंबर के जो भी हमने ट्रांजेक्शन पास करी है सेल से संबंधित वो आपकी GST रिटर्न के अंदर नहीं आएगी, तो हमें डेट का विशेषकर ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद में जो आपकी इनकम्प्लीट जो भी ट्रांजेक्शन है वो ये जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर जीरो रहना चाहिए, यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं भी टोटल हमारी सेल की अमाउंट कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो टोटल टैक्स वैल्यू हमारे पास 4,25,944.29 का आ रहा है। तो इस सेल को हम वेरीफाई करेंगे किसके साथ में करेंगे, तो दूसरा आप अपनी इस HSN समरी को भी ओपन कर लीजिए, इस HSN समरी के अंदर भी आपको इसको वेरीफाई करना है टैक्सेबल अमाउंट के साथ में, भी यहाँ पर भी 4,25,944.29 ही आ रहा है, तो यानी कि ये दो रिकॉर्ड आपस के अंदर मैच है। और उसके बाद के अंदर आपको चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके और आपका सेल का रिकॉर्ड, यहाँ पर भी आपको पीरियड चेंज करना है 1/12 से लेके 31/12 तक, और यहाँ पर जो भी आपकी सेल आ रही है जो सेल की वैल्यू है ये भी 4,25,944.29 की आ रही है, तो ये भी डाटा हमारा GST वन की टैक्सेबल सेल के साथ मैच हो रहा है। तो आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी डेट को एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं GSTR की 3B की रिपोर्ट पे।
तो 3B की रिपोर्ट पे जाने के लिए हम GSTR 3B और यहाँ पर भी हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो यहाँ अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ भी आप सेल देख सकते हो 4,25,944.29 की ही आ रही है। तो यानी कि हर एंगल से हमने इसको चेक कर लिया, हमारी दिसंबर मंथ की जो सेल है वो रिपोर्ट आपस के अंदर टैली हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो सेल की ट्रांजेक्शन है GSTR 1 है वो बिल्कुल सही तैयार हो रहा है। तो वापिस हम GST रिपोर्ट GSTR 1 पे डेट वापिस हम चेंज करेंगे। तो अगर आप क्वार्टरली मोड है तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको एक रिकॉर्ड और चेक करना है, HSN समरी के अंदर भी आपको जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है वो भी आपकी जीरो रहनी चाहिए। तो यहां आप देख सकते हो ये आपकी जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल जीरो रहनी चाहिए। और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट समरी को वेरीफाई करना है कि आपने इस मंथ के अंदर कितने सेल इनवॉइस इशू किए हैं। तो टोटल 19 इनवॉइस हमारे इशू है 1 से लेके 19 तक। तो ये भी रिकॉर्ड आपका बिल्कुल सही है, कैंसिल आपने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है B2B इनवॉइस को वेरीफाई करने का, यानी कि ऐसा कोई भी कस्टमर रह ना जाना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसका नाम आपका इस B2B की ट्रांजेक्शन के अंदर आ नहीं रहा हो। तो इस बात को भी एक बार जरूर आपको वेरीफाई कर लेना है GST रिटर्न को अपलोड करने से पहले। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है। अब बात आती है भी हम इसको एक्सपोर्ट किस प्रकार से करेंगे एक्सेल के अंदर। तो एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग कमांड हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा एक्सपोर्ट का, तो या शॉर्टकट आप Alt+E भी यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ई रिटर्न का, तो आपको ई रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो आपको एक्सेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपका जो फोल्डर पाथ है, यानी कि आपने ये जो फाइल सेव करनी है वो कौन से ड्राइव के अंदर सेव करनी है, तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम, एक बार इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ मैं, तो ये मेरा डेस्कटॉप कर दिया। और उसके बाद में आपकी जो फाइल एक्सपोर्ट होने जा रही है उस फाइल का नाम ये रहेगा GSTR 1 और उसके बाद दिसंबर, उसके बाद 22-23 का। और उसके बाद में HSN समरी को आपको एक्सपोर्ट करना है, यस करना है, और डॉक्यूमेंट समरी को भी यस करना है, और उसके बाद ऑल वाउचर, और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेंड का। तो जैसे हम सेंड करेंगे तो ये हमारी एक्सेल के अंदर GSTR 1 तैयार हो रही है। तो ये तैयार होने के बाद ये आपकी एक्सेल सीट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो उस सीट को हम एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आपके जो नीचे सीट्स हैं उस सीट के अंदर आपके सबसे पहले B2B का रिकॉर्ड वो तैयार हो गया, यहाँ पर सारा इनवॉइस नंबर वगैरह वो आप मैच कर सकते हो। उसके बाद में जो B2CS यानी कि जो हमारी URD सेल्स है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट इशू किए हैं तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आएगी। और देन इसके लास्ट के अंदर HSN समरी और आपकी डॉक्यूमेंट समरी, तो ये भी आप बुक्स के साथ जरूर वेरीफाई कर लें, क्योंकि कई बार एक्सपोर्ट के टाइम में एरर आ जाती है तो पूरा डाटा हमारा जो एक्सपोर्ट हो नहीं पाता। तो एक्सपोर्ट करके एक बार हमें टैली सॉफ्टवेयर के साथ इसको जरूर चेक कर लेना है। तो इस तरीके से हम GSTR 1 के रिकॉर्ड को चेंज, मतलब इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद में बात आएगी 3B की, तो हम GSTR 3B को सिलेक्ट करेंगे। वापस वही हमें मंथ सेलेक्ट करना है, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद एक बार Alt+F1 के साथ इसकी डिटेल भी आप ओपन कर लोगे। अब इस ओपन से क्या होगा भी आपकी ये दिखा रहा है भी जो टोटल टैक्सेबल आपकी सेल है वो ये है, और आपकी एग्जम्प्ट सेल है टैक्स फ्री की सेल है वो ये, इन दोनों का टोटल आपका ये आ रहा है, तो ये आपकी टैक्स की अमाउंट है। और इसके साथ साथ 3B के अंदर आपको ITC का भी ध्यान में रखना है भी जितना ITC आपने आप क्लेम कर रहे हो तो उतना ITC भी आपके GSTR 2 के रिकॉर्ड में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि 3B के अनुसार हम जो ITC क्लेम कर रहे हैं CGST का और SGST का वो ये कर रहे हैं। तो हम GSTR 2 को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। GSTR 2 पर हम जाएंगे 1/12 से लेके 31/12 तक सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आपके पास में टोटल टैक्स आ रहा है 45,127 का। तो अगर आप इसको सेपरेट देखना चाहते हो CGST और SGST के साथ तो आपको F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा शो टैक्स पिन सेपरेट कॉलम, तो इसको आपको यस कर देना है और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका जो टैक्स है वो सेपरेट सी और स्टेट का अलग अलग शो करेगा। तो यानी कि 22,563 रुपये आपने ITC आपकी GSTR 2 के अंदर भी आ रहा है। तो ITS 2 के अंदर भी आपको ये भी ध्यान रखना है आपकी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन वो भी जीरो रहनी चाहिए, अदरवाइज आपके सिस्टम के अंदर एरर आ सकती है रिटर्न फाइल करते वक्त। तो वापस हम यहाँ पर पीरियड इसको सिलेक्ट करेंगे
और Alt F1 के साथ डिटेल को ओपन करेंगे तो सेम ITC हमें 3B के अंदर भी आ रहा है। तो अब हमें 3B को भी एक्सपोर्ट करना होगा। तो अब 3B को एक्सपोर्ट करने के पास आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो इसको नॉर्मल PDF के अंदर भी सेंड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एक्सेल की यूटिलिटी, यानी कि जो हमारी ऑफिशियली वेबसाइट से GST की जो हमारा यूटिलिटी ऑफलाइन यूटिलिटी होता है उसको डाउनलोड करके और उस यूटिलिटी के अंदर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूटिलिटी में एक्सपोर्ट करने का तरीका वापिस सेम वही प्रोसेस, एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, ई रिटर्न्स पर जाना है। तो जैसे हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो अगर आपके पास ये जो यूटिलिटी है एक्सेल की, ये अगर आपके सिस्टम के अंदर है नहीं तो ये आपको इस टाइप का ये कुछ एरर दिखाएगा। ये कह रहा भी आपको 3B की जो है जो डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटी है वो आपके सिस्टम के अंदर है नहीं, और ये जो सिस्टम रिक्वायर कर रहा है वो यूटिलिटी V4.7 की कर रहा है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैं आपको ये डाउनलोड कहाँ पे करना होगा, जो जिस लोकेशन पे आपकी ये GSTR 3B सेव होएगी उस लोकेशन पर जा आपके आपको ये टेली प्राइम वाले C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर टेली प्राइम का, तो इस फोल्डर के अंदर आपको यूटिलिटी रहनी चाहिए। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर पाथ है जो ऑलरेडी ओपन ही है, तो अब मेरे जैसे कि मैंने यहाँ पर GSTR 3B की एक्सेप्ट यूटिलिटी डाउनलोड करी हुई है, तो मैं इसको एक्सटेट हेयर करूँगा एक बार और उसके बाद मैं GSTR 3B यूटिलिटी और इस यूटिलिटी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद वापस मैं बाहर आके इसको पेस्ट करूँगा। और इसको पेस्ट करने से पहले आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके और इसको जो सिक्योरिटी है इसको अनब्लॉक कर देना है, अप्लाई ओके पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो भी आपने जो एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड करी है उसका वर्जन है V5.0 का, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायर कर रहा है V4.7 का। तो आपके पास ऑप्शन है भी आपने इसके लास्ट के अंदर इसको भी आपको 4.7 यहाँ पर रीनेम इसको चेंज कर देना है। अब जैसे ही हम टेली सॉफ्टवेयर से वापस इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पर हम जाते हैं, ई रिटर्न्स पर जाते हैं, एक्सेल पर हम जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे ये हमारा एरर हट गया और हम इसको यहाँ से सेंड करेंगे। तो जैसे सेंड करेंगे तो ये हमारी 3B की यूटिलिटी के अंदर हमारी GST रिटर्न तैयार हो जाएगी और आपके पास में ये एक्सेल की फाइल है जो ओपन भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनेबल कंटेंट्स के अंदर जाके और अपने इस रिकॉर्ड को इजी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपके डाटा के अंदर एरर आता है तो आप इसको वापस वैलिडेट भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको GSTR 3B रिटर्न को इस यूटिलिटी के अंदर मतलब सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा कि हम रूटीन में करते हैं Ctrl+E के साथ हम करेंगे और उसके बाद के अंदर नॉर्मल आप एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट सेंड करोगे तो नॉर्मल जैसा कि अभी हम इस व्यू के अंदर जो दिखाई दे रहा है सेम वही व्यू आपका एक्सेल के अंदर इस तरीके से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ये रिपोर्ट भी सेव कर सकते हो। तो अब हमने ये जो रिपोर्ट सेव करी है, चाहे GSTR 1 की रिपोर्ट हो चाहे वो GSTR हमारी 3B की रिपोर्ट हो, जैसा कि हमारी एक्सेल के अंदर जो हमने रिपोर्ट तैयार करी थी GSTR 1 की, वो हम यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो इसको हम ईमेल के थ्रू या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू इसको अपने CA के ऑफिस में या फिर एडवोकेट ऑफिस के अंदर इजीली इसको सेंड कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना।